एज यू कैन सी बाय द टॉपिक चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट, तो मैंने इसे ग्रीन से लिखा है बिकॉज ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसे ग्रीन कलर से लिखा है। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो चिपको आंदोलन जो है ये डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में किया गया था, यानी कि डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा इस चिपको आंदोलन के लीडर थे। ओके, और साथ ही साथ इनके साथ गौरा देवी भी लीडर थी। ये सन 1974 में हुआ था हिमालय के गढ़वाल में, जब ठेकेदारों द्वारा वृक्षों के काटने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो इन्हें बचाने के लिए स्थानीय महिलाओं ने, यानी जो भी वहाँ रहती हैं वो सारी महिलाओं ने साहस के साथ इसका विरोध किया, यानी उन्हें काटने से रोका, और सारी महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर उन वृक्षों को बचाया और उन सभी वृक्षों को कटने से बचाने में सफल रहीं। फिर इस प्रक्रिया यानी इस प्रोसेस ने आंदोलन का रूप ले लिया और इसे पूरे विश्व भर में चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। इसे अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो जब ठेकेदार वृक्ष काटने आए थे तो वहाँ की जितनी महिलाएं रहती हैं वो सभी वृक्षों में चिपक कर यानी लिपट कर उन वृक्षों की रक्षा की थी, इसे ही चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आता है और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए, जिसमें आप चिपको आंदोलन टॉपिक डाल के इसके बारे में लिख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।